उत्तराखंड की देवभूमि ऋषिकेश को एक योग का स्थान माना जाता है, जहाँ की ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग योग सीखने आते हैं। योग के माध्यम से आज पूरे विश्व में इंसान अपनी बीमारियों से मुक्त होना चाहता है। आइए जानते हैं योग और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंट है। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ सबको कि यहाँ पे भी लोग ये मत सोचें कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, अयोग कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी मसल स्टिक हो गई हैं, ये चीज़ें माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए मैम। हमने नासिक में देखा है मैम, 80-80 साल के लोग योग कर रहे थे मैम। वो ऐसे आसना कर रहे थे जो हमारे उत्तराखंड में 20 साल के लड़के नहीं कर पाते हैं। तो एक मैसेज है मैम कि लोग प्लीज़ थोड़ा सा योग के प्रति अवेयर हों, ध्यान दें, क्योंकि योग हमारे आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे ग्रंथों में, वेदों में, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने योग के ऊपर उपदेश दिया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। तो मैं चाहता हूँ मैम कि वर्तमान में भी जो हमारी जो योग की विधि है वो जो लुप्त तो हो गई थी उसको दोबारा से हम लोग पुनर्जीवित करें। अंजलि पासवान के साथ कैमरामैन आशु शर्मा की रिपोर्ट।